हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइंस है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लामाफेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारे साप्ताहिक राशिफल, जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी। वन मंथ हो चुका था, मैंने अभी तक साप्ताहिक राशिफल नहीं इंक्लूड की है। मंथली राशि तो जैसे मैंने करियर रिगार्डिंग तो मैंने ट्रांसफर कर दी थी। लव रिगार्डिंग जो है रीडिंग जो है मंथली की, वो आ जाएंगी बहुत जल्द। मैं कोशिश करती हूँ कि आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल जो 10-17 तारीख तक रहेंगी। एंड जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको अगर अपडेट चाहिए, जैसे कि पूरा साल भर की रिकवरी चाहिए, साल भर की प्रिडिक्शन चाहिए, तो जैसे कि टाटा स्काई पर एस्ट्रो दुनिया चैनल पे 2:30 बजे दोपहर के टाइम पे मेरे वीडियोस अपलोड्स हो जाएंगी। आप 2:30 बजे अब मेरी वीडियोस देखना ना भूलिए। फिर अगर आपका अगर मिस होता है तो 4:30 बजे के टाइम पे मेरी फिर से वीडियो रिपीट टेलीकास्ट होगा। तो प्लीज आप जरूर देखें कि पूरा साल कैसा रहेगा। एंड जैसे कि मैं इमेजेस जो है यूट्यूब पे डाल दूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, एंड फेसबुक पे भी रहेगा, इंस्टा पे भी रहेगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि आपको मेरे अपडेट्स मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ न्यू फॉलोअप्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। दिस वीक आपका कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए? तो मेष राशि वालों के लिए जैसे कि दिस वीक ऐसा रहेगा कि बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजायर है मन में, बहुत ज्यादा ड्रीम्स है, पर समझ भी नहीं आ रहा कि आपको करना है कि नहीं करना है। मतलब कि ये वक्त सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा माइंड में थॉट्स आना, बहुत ज्यादा माइंड में थॉट्स क्रिएट कर लेना कि नहीं ये गलत होगा, नहीं वो गलत होगा, शायद मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये वाले मन में थॉट्स रहेंगे। ऐसे लगता है कि आपको कि मतलब कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, वो वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप मे बी करते हैं कुछ भी, आपको जो काम करना है, अगर सडनली भी काम होता है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। जैसे कि एंजल्स एनर्जी कह रही कि आपको आपके लाइफ का गोल जो है, जो कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप काम आपके हाथ से सडनली हो रहा है, उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसको पॉजिटिव तरीके से काम कीजिए, क्योंकि दिस टाइम आपका अप होने के टाइम पे है। जैसे कि आपका डाउन होने के सडनली कंडीशन नहीं है। आपके लाइफ में जो कुछ भी हलचल हो रही है, जो कुछ भी सराउंडिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस में अगर आप कंफ्यूज होते तो मे बी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दिस वीक आपका ऐसा ही रहेगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, डर लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। तो नहीं, आप ठीक है, आपके जो एनर्जी जो काम कर रही है वो आपको हेल्प करने के लिए कर रही है। डिवाइन एनर्जी आपका सपोर्ट दे रही है, डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार है। बस जो कुछ भी सडनली क्विक जो एक्शन आपको जो लेने पड़ेंगे, क्विक एक्शन हो गए, क्योंकि सडनली एक काम नहीं हुआ तो सडनली दूसरा काम नहीं हुआ तो तीसरा काम, ऐसे सडनली क्विक चेंजेस आपके लाइफ में डेस्टिनी। मुझे लगता है दिस वीक तक आपके ऐसी ही कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी कि नहीं मैंने अभी तो ये काम कर लिया फिर ये सडनली कैसे आ गया, तो फिर ये वाली कंडीशन रहेगी। उस चीज में आप कंफ्यूजन ज्यादा दिखाई देगी। नॉर्मली ये बात सीधी होती है कि क्योंकि हम जब भी कुछ काम करते हैं उसमें एक काम होने के बाद सडनली दूसरा काम भी आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डर मन में रहना, मतलब हम सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं, गलत है कि नहीं, मतलब हड़बड़ी में कुछ काम कर रहे हैं तो मतलब सही होगा कि नहीं होगा। तो मिनिमम डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप जो कुछ भी काम करते हैं वो मतलब आप कीजिए, इसमें आपको ज्यादा थॉट्स ना क्रिएट कीजिए, क्योंकि जितना थॉट्स क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा आपको नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो सकती है। तो मिनिमम दिस वीक आपका ऐसा रहेगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला रहेगा, पर आप अगर मिनिमम अपने माइंड को एक प्रिपेयर करके बना के आप काम कर दे तो मिनिमम आपका दिस वीक आपका बहुत अच्छे से जाएगा। तो प्लीज मुझे मेष राशि वाले लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मतलब दिस वीक ऐसा रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा काम ओवरलोड कुछ ज्यादा हो चुका है, आपको कहीं ना कहीं घूमने का मन कर रहा है, कहीं ना कहीं जाने का मन कर रहा है, तो सडनली मिनिमम निकलने के चांसेस दिखाई देते हैं। रिलैक्स होने का माइंड कर रहा है, कहीं जाके घूम के थोड़े से अच्छे से जाके चिल कर लेते हैं या फिर कहीं जाके आराम कर लेते हैं। अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद करेंगे। एंड मैं खास में कहूंगी कि बस काम भी करना है तो रिलैक्स होके काम करना है, रिलैक्स माइंड रहेगा आपका, कुछ ज्यादा एनर्जी आप ज्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा ओवर काम हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड काम हो चुका है, वर्क के हिसाब से भी आप बहुत नीचे शांत होकर काम करेंगे। मतलब बोलते ना कि आगे काम रहने दो, मैं थोड़ा सा मुझे आराम करना है, मुझे अभी काम ज्यादा नहीं करना है, तो ये वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए।
कहीं जाके घूमने का ट्रैवलिंग के चांसेस नजर आते हैं, कहीं ना कहीं घूमने के फैमिली के हिसाब से आप मिनिमम अच्छे दिखाई देते हैं। मनी इंक्लूड अगर मैं कहूंगी तो मनी के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर है तो आप मतलब घूमने तो जाएंगे, वैसे तो ये तो बात होती है कि आप मनी की इनकम सोर्स आपके पास है तो तभी आप घूमने जाएंगे। तो अच्छी इनकम सोर्स आपकी हो चुकी, बस यही माइंड है कि आपको अकेले रहना है, कहीं अकेले जाके घूम के आना है या फिर फैमिली के साथ भी घूम के आने का मन कर रहा है। कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने की कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है, या फिर रिलेशन की बात करूं तो रिलेशनशिप में भी आप कुछ ज्यादा मुझे इंक्लूड नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे। बस ऐसा लग रहा है कि बस कहीं जाके मैं अपना माइंड शांत करूं, रिलैक्स हो जाऊं, शांत रहो, अपने माइंड को चिल करूं, ये वाली स्थिति मुझे ज्यादातर के वृषभ राशि वालों के लिए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फ केयर करेंगे, जैसे कि खुद का ध्यान रखना, जैसे कि आप जिम ज्वाइन करना, ये कुछ शायद आपके माइंड में मतलब स्टार्टअप मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब खुद के ध्यान रखना, खुद के ऊपर प्रिपेयर होना, खुद की तरफ फोकस करना, मतलब खुद की ब्यूटी की तरफ देखना, खुद के काम की तरफ भी फोकस करना, पर आराम तरीके से, मतलब कुछ भी आप पूरा डिसीजन लेंगे कि मुझे करना क्या है, तो उस हिसाब से मुझे वृषभ राशि वाले दिस वीक आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा काम में कंपटीशन नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई डोमिनेट करना, कोई ना कोई सडनली परेशान करने वाली स्थिति मुझे लगता है शायद आपको मिनिमम तकलीफ दे रही होगी। शायद दिस वीक आपको ऐसा लगता होगा कि जस्ट मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अलोन वाली फीलिंग्स मुझे लगता है शायद आपकी मिनिमम दिस वीक तक दिखाई दे रही है। एंड में कहूंगी कि आपको लग रहा है कि आप इसमें जैसे कि स्पीडली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप उतने खुद के लिए प्रिपेयर नहीं है, जितना कॉम्पिटिशन स्टार्ट है उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है, आप मैच्योर नहीं है, आपकी स्थिति नहीं कि आप उतना जाके आगे बढ़े और आपकी वहां से स्थिति हो के आप आगे बढ़ते हुए आपके कुछ गोल जो है, आपके जो डिजायर जो है वो अचीव हो जाए। तो मिनिमम आप बहुत ज्यादा चीजों से डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा शांत बैठ के थोड़ा सा एकांत में या फिर किसी से डिसीजन लूं, किसी से पूछूं कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, शायद मैं भी कंडीशन आपकी यही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक आप मुझे फ्रेंड के डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर घर फैमिली वालों के डिसीजन, ये सारे डिसीजन लेना आपके लिए मिनिमम सच में बेटर रहेगा, क्योंकि आप खुद अगर प्रिपेयर नहीं है, आपको खुद जहां तक लगता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो मिनिमम ये चीज सही है कि आप किसी से डिसीजन लीजिए एंड अपने जो काम जो है उसको, जो गोल को, जो आपकी जो डिजायर जो है आपके जो काम को लेके, वो आपके फुली कंप्लीट हो। तो ये आपकी दिस वीक आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, मनी इनकम सोर्स को लेके भी आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर दिस वीक आपका अच्छा सा गुजर जाए। तो आपके मन में जो जितने भी सारे डर है, थोड़ा सा फियर जो लग रहा है, तो शायद मिनिमम दिस वीक ऐसा रहेगा, थोड़ा सा मतलब हलचल रहना, आपको नहीं लगना कि आप इसमें उतर सकते हैं कि नहीं, आप काम के लिए प्रिपेयर है कि नहीं, थोड़ी सी मन में ये हलचल रहेगी। प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए मिथुन राशि वाले दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जैसे कि दिस वीक ऐसा रहेगा जैसे कि सेलिब्रेशन के माहौल में रहेंगे, कहीं बाहर जाने की स्थिति दिखाई देती है, फ्रेंडशिप का माहौल कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर मैं कहूँ कि लव कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी तरीके से, कम्युनिकेशन आपकी अच्छे से हो सकती है, मिनिमम एंगेजमेंट वाली कंडीशन नजर आती है, मिनिमम शादी तक नहीं कहूंगी, आपकी जो वर्क जो टीम रहेंगी वो वर्क टीम आपको हेल्प करते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपके मतलब जैसे कि आपको कुछ काम करना रहेगा तो आपको कोई ना कोई फ्रेंड जो है आपको हेल्प करते हुए नजर आते हुए दिखाई देता है। आप बहुत ज्यादा अपने काम में लगे रहेंगे, आप काम के गोल को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ना किसी से डिस्कशन करना, किसी ना किसी से बात करके अपने काम को आगे बढ़ाना, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करते आते हुए दिखाई देता है। मिनिमम दिस वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए हेल्पिंग नेचर रहेगा, आपको सब हेल्प करेंगे, ये वाला नेचर मुझे जहां तक दिखाई देता है। एंड में कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए भी स्थिति आपकी नजर आती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग नजर आती हुई दिखाई देता है, मनी इनकम सोर्स बहुत अच्छे तरीके से, टीम वर्क अगर आप करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मिनिमम दिस वीक आपका बहुत अच्छा है। आप किसी भी इंसान, आपके जो पार्टनर जो है, जो आपका जो फ्रेंड है, जो बहुत खास फ्रेंड है, आप उनसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। दिस वीक आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है मुझे कर्क राशि वालों के लिए। तो प्लीज मुझे कर्क राशि वाले लिख के भेजे कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिस वीक
जैसे कि आपका थोड़ा सा मून अप्स एंड डाउन्स रहेगा, इमोशनल फीलिंग से कुछ ज्यादा भरा हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज को लेके आप अपसेट रहते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे कोई मतलब बोलते ना प्यार नहीं करता, या फिर कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। आपकी शायद आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग्स आपके सडनली दिस वीक थोड़े से डाउन मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे शायद लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आप म्यूजिक अगर सुनते या फिर मेडिटेशन करते तो मिनिमम बेटर टाइम आपका जो दिस वीक जो है वो निकल जाएगा। एंड कहीं ना कहीं पैसे को लेके दिक्कत थोड़ी सी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, पैसे को लेके आप सोचते होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अगर काम कर रहे हैं तो काम में मन नहीं लगते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब फीलिंग्स पूरी डाउन। जैसे कि कोई होप जो है आपकी, जो होप जो आप सोचते कि मुझे ये करना है वो करना है, पर आपको कहीं ना कहीं आपकी इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी से भर चुकी कि मैं कुछ भी काम करता हूँ या फिर करती हूँ तो मुझे हर बार वहां से हारे मिलती, तो ये वाली कंडीशन आपकी दिस वीक तक मुझे दिखाई दे रही है। मिनिमम आप खुश नहीं, थोड़े से हेल्थ इश्यू भी मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अनहैप्पी रहना, ऐसी वाली कंडीशन मिनिमम दिस वीक तक रहेंगी। सॉरी पर दिस वीक आपका कुछ मिनिमम जो माइंड जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सोचते ही रहते हुए दिखाई दे रहा है, मनी इनकम सोर्स को लेके कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि अपने सराउंडिंग एनर्जी को सपोर्ट आप लेते हुए नजर आते हैं, पर एनर्जी आपको सपोर्ट लेते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। या फिर जस्ट लव कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लव पार्टनर भी आपको एक मतलब चीट करते हुए, धोखा देते हुए, या फिर एनी टाइम टारगेट कुछ ना कुछ चीजों को लेके बड़ा चढ़ा के बात करना, कुछ शायद ये मिनिमम कंडीशन हो सकती है लव कम्युनिकेशन के बारे में। तो जस्ट आप मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं अकेले थोड़ा सा रहते तो मिनिमम बेटर फील करेंगे दिस वीक। प्लीज मुझे सिंह राशि ने लिख के भेजिए दिस वीक आपका कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिस वीक आपका जैसे कि आपने जो कुछ भी गलती की उसको लेके बहुत ज्यादा पछतावा करते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको लगता है कि सडनली मैंने जो चीज की थी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं नहीं करता या फिर नहीं करती तो मिनिमम बहुत बेटर रहता था, ये वाली कंडीशन मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रही। या फिर आपने जैसे कि किसी ने आपको बहुत ज्यादा चिट किया हो, परेशान किया हो, उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो मिनिमम आपको फॉरगिवनेस करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। एंड मिनिमम आप कहीं ना कहीं आगे के बारे में सोच के अपनी बहुत सारी चीजों को लेके रिमूव जो चीजें हैं, जो कुछ चीजें जो रिमूव करनी वो रिमूव करके आगे बढ़ने वाली सिचुएशन आपकी नजर आती हुई दिखाई रही है। जहां तक लगता है कि आप सोच रहे कि जो कुछ भी हुआ शायद मैं भूल जाओ तो मिनिमम बेटर रहेगा, ये वाली कंडीशन आपकी नजर आती है। शायद थोड़ी बहुत मुझे लगता है शायद आपने जो गलती की होगी शायद लव कम्युनिकेशन के बारे में हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि आपके पार्टनरशिप के हिसाब से हो सकती है, काम में हो सकती है, जॉब में हो सकती है। आपने जो कुछ भी सराउंडिंग आपके यहाँ से जो गलती हो चुकी उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश आप करेंगे दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि आप माफी भी मांगेंगे या फिर आप किसी ने आपको जो डोमिनेट किया आप उसको माफ करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। मनी इनकम सोर्स में कहूंगी कि सो रहेंगे। एंड लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो नहीं, मिनिमम ऐसी बात रहेंगी कि आपकी दोनों की कम्युनिकेशन मिनिमम अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जस्ट लव कम्युनिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। एंड एक कह सकते कि थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इंक्लूडेशन हो सकता है, शायद आप थर्ड पार्टी से परेशान हो सकते हैं अगर आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिज लाइफ अगर चलती होगी तो मिनिमम थर्ड पार्टी की इंक्लूडेशन इसमें दिखाई देती है कन्या राशि वालों के लिए। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जैसे कि आपको बहुत ज्यादा काम करना है पर कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज पेंडिंग नजर आती हुई दिखाई दे रही है, आप बहुत ज्यादा काम को लेके सीरियस नहीं दिखाई दे रहे दिस वीक। ये आपको भी पता है, मिनिमम शायद आप काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस ना रहे, आप काम को टालते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम शायद मुझे लगता है अगर लव कम्युनिकेशन अगर बात करूँ तो लव कम्युनिकेशन की भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरा पार्टनर नहीं समझता, मुझे अभी कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करनी है, मैं अगर शांत रहूँ तो मिनिमम बेटर रहेगा, तो आपकी वो इमोशनल फीलिंग्स डाउन नजर आते हुए दिखाई दे रही है। आप किसी से ज्यादा कम्युनिकेशन या फिर काम में भी ज्यादा आपकी मतलब रुचि नहीं दिखाई दे रही, काम है बहुत काम है, आपको काम के जैसे कि ऑफर्स भी रहेंगे पर आपको काम करने का मन नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये वाली कंडीशन मुझे दिस वीक आपकी नजर आते हुए दिखाई दे रही है।
पर जैसे कि जो गुड टाइम आएगा, जैसे कि ऐसा थोड़ा एक वक्त आएगा जैसे कि उस टाइम पे आप अपना काम करके सडनली मूव चेंज करके आप थोड़े से आगे सराउंडिंग में थोड़े से आगे बढ़ जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मिनिमम 3-4 दिन तक आपका थोड़ा सा माहौल जो है, थोड़ा सा मन जो है थोड़ा सा डाउन रहेगा, फीलिंग्स आपकी कुछ एनर्जी जो है डाउन रहेंगी, आपको काम रहेगा पर आपका काम करने का मन नहीं रहेगा। फिर जैसे सडनली ऐसे कुछ हो जाएगा जैसे कि आपको लगेगा कि नहीं मैं काम में रहूँ तो मिनिमम बेटर है, अगर मैं पीछे की और कुछ भी चीजों के पास्ट लाइफ के बारे में अगर सोचता हूँ तो मिनिमम मेरा नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। आपके माइंड में जब थॉट्स क्रिएट हो जाएगा तो आपके सराउंडिंग्स एनर्जी जो आपको जो काम करना है, जो आगे बढ़ना है, आपकी जो एनर्जी जो काम करने के लिए जो कह रही है, वो सराउंडिंग सीधी तरीके से आगे बढ़ती नजर आती दिखाई दे रही है। आप काम को लेके भी बहुत ज्यादा फिर सीरियस हो जाओगे, फिलहाल स्टार्टिंग मोमेंट में नहीं रहोगे पर मिनिमम 3-4 दिन के बाद आपकी मूवमेंट ऐसी हो जाएगी कि आप सराउंडिंग्स आपकी जो एनर्जी वो आपको काम करने पर मजबूर कर देगी। तो दिस वीक मुझे प्लीज तुला राशि वाले लिख के भेजिए दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिस वीक ऐसा रहेगा कि आप बहुत सारे चीजों का वेट कर रहे हैं, मतलब रुक के काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि जस्ट ये गुड टाइम नहीं है, अब भी ये वक्त नहीं कि मुझे काम करना चाहिए, मिनिमम थोड़े टाइम के बाद अगर मैं काम करता हूँ तो मिनिमम बहुत मेरा टाइम अच्छा रहेगा, मिनिमम आप ऐसा सोच के रहे पर एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। अगर आप उस टाइम पे काम नहीं करते, जैसे कि आपको अभी काम करना है और उसके लिए आप टाइम लेते हैं तो मिनिमम आपके लॉसेस होने के चांसेस में भी नजर आते हैं दिस वीक। आप अगर अपने काम को टालते हैं या फिर आगे सराउंडिंग एनर्जी में आप ढकलते हैं, आपको लगता है कि अभी गुड टाइम नहीं है, तो अभी जैसे कि मुझे जैसे कि कुछ अगर आपको वर्कआउट करना है या फिर कुछ जैसे कि आगे बढ़ना है या फिर कहीं आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का तो उसको भी डिले करते हैं तो मिनिमम वो टाइम नहीं आने वाला, जैसे कि गुड टाइम जो है अब है। जैसे कि आप कुछ भी एनर्जी को अगर क्रिएट करना चाहते हो तो दिस वीक आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस वीक आपका ऐसे नजर आता है कि आप मनी इनकम सोर्स को लेकर अगर आगे बढ़ना है या फिर कुछ करना है, आगे सराउंडिंग्स एनर्जी आपको जैसे कि आगे अगर आपको जॉब के लिए ऑफर आती है पर आप कहेंगे कि नहीं मुझे अभी जॉब नहीं करना है, मैं बाद में जॉब करूंगा या फिर ये जॉब ठीक नहीं है फिर मैं नेक्स्ट जॉब करूंगा, तो अगर आपकी थोड़ी सी ऐसे कुछ कंडीशन हो तो मिनिमम दिस वीक ऐसा है कि नहीं आप अपने जैसे कि न्यू जॉब आता हो या फिर न्यू प्रोजेक्ट आता हो या फिर न्यू काम आता हो तो प्लीज आप कीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे कि आप जो कुछ भी चीज आपके पास आती है और उसको आप गिव अप करते मतलब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं और आप सोचते कि ये टाइम सही नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, तो फिर ये बाद वाला टाइम जो है आपका नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्लीज मुझे वृश्चिक राशि वाले लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए दिस वीक ऐसा रहेगा कि आपको जैसे कि आप कुछ भी काम करते हैं तो डिवाइन मैजिक जैसे कि सडनली ऐसी कुछ चीज हो जाएंगी जैसे कि आपको लगेगा कि नहीं सडनली कैसे हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं न्यू जॉब या फिर न्यू शॉप क्रिएट करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, जो आपके जो गोल्स है जो ड्रीम्स है जैसे कि जॉब लगने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं से मनी इनकम सोर्स जैसे कि मनी कहाँ से पैसे जो अटके हो गए जो पैसे आने की स्थिति नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम ऐसी चीज आपकी जैसे कि क्विक ऐसे हो जाएंगी जो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे हो चुकी। अगर मैं बात करूँ तो सेलिब्रेशन अगर होगा तो शादी वाला भी माहौल हो सकता है, जहां से आपकी बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है, मतलब आपकी शादी के लिए बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हो तो मिनिमम दिस वीक आपके चांसेस होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे कि आपकी शादी या फिर मैरिज के बाद फाइनल होगी एंड जैसे कि आपको आपके लाइफ में पार्टनर मिलेगा। एंड मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ट्रू लव जो बहुत टाइम से ट्रू लव जो देख रहे हैं बहुत टाइम से ट्रू लव के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शायद मिनिमम दिस वीक आपका मुझे लगता है धनु राशि वालों के लिए दिस वीक शुभ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा एंड एक अच्छी से हैपनिंग वाली चीजें आपकी मूवमेंट वाली चीजें दिस वीक आपकी होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ज्यादा सोचेंगे नहीं, कुछ ज्यादा परेशान नहीं होंगे पर हाँ आपको एक सडनली आपका जो ड्रीम्स है ना जो सक्सेस होते हुए नजर आते हुए दिखाई देता है। तो प्लीज मुझे धनु राशि वाले लिख के भेजिए दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए दिस वीक जैसे कि ऐसे रहेगा कि काम बहुत है, ड्रीम्स बहुत है, करना है पर कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि करूं कि नहीं करूं, ये वाली कंडीशन मुझे जहां तक दिस वीक आपकी लगी रहेगी।
काम करने का मन होगा, फिर बाद में आपको आलस आते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, कि आप काम के टाइम पे सोते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बोलते ना कि एक ख्याली पुलाव पकाना, मतलब ये करूँ कि वो करूँ, ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, बहुत ज्यादा थॉट्स माइंड में क्रिएट होना, शायद ये वाली कंडीशन आपकी रहेगी। अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि बहुत ज्यादा कुछ सोचना समझना, पर अपने आप को जैसे कि प्रिपेयर नहीं करना उस काम के लिए, तो दिस वीक मुझे प्लीज कि मुझे दिस वीक आपका कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगली राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए जैसे कि दिस वीक थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको जैसे कि काम में रहना है, स्ट्रिक्टली आपका बिहेवियर नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। मिनिमम आपको जो कुछ भी काम करना है वो स्ट्रिक्टली बिहेवियर होके काम करेंगे। एंड जैसे कि मैं बात करूँ कि जैसे कि आप बिजनेस में भी हो, शायद आप जॉब पे भी हो, तो मिनिमम आपका स्ट्रिक्टली बिहेवियर रहेगा, कुछ ना कुछ रूल फॉलो करके आप काम करेंगे। मिनिमम सराउंडिंग एनर्जी मुझे ऐसे भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, आप कहीं ना कहीं आपके फादर्स या फिर आपके फैमिली में जो आपको जो बहुत ज्यादा प्यारा हो उसको मिस करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको लगता है कि जैसे कि जो आपका जो पर्सन है आपके लाइफ में अगर होता तो आप मिनिमम इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, आपको भी आपका स्ट्रिक्टली बिहेवियर पसंद नहीं आते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। पर कुछ ना कुछ एनर्जी जैसे कि बोलते ना कि हालात जो है वक्त जो है ऐसे करने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो ये वाली कंडीशन मुझे मिनिमम नजर आते हुए दिखाई दे रही कुंभ राशि वालों के लिए। एंड मैं कहूंगी कि आप अपने जो काम में जो सराउंडिंग्स जो एनर्जी वो स्ट्रिक्टली बिहेवियर करके रहेंगे, एक अच्छी सी एनर्जी आप सबको देंगे, एक स्ट्रिक्टली बिहेवियर में मतलब एक रूल को फॉलो करेंगे, जैसे कि मुझे आज ये काम करना है तो अभी काम करना है, तो मतलब अभी काम करना है, तो ये वाली आपकी एनर्जी, जैसे मुझे अभी जाना है तो मुझे अभी जाना है, तो ये वाली कंडीशन मुझे दिस वीक आपकी दिखाई दे रही है कुंभ राशि वाले। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे कि दिस वीक आपका कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दिस वीक जैसे कि आप में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो, जैसे कि आपको लगता है कि जो मैंने जो डिसीजन लिया, जैसे कि आपके काम के सराउंडिंग्स हो या फिर जॉब के सराउंडिंग्स हो या फिर कहीं कुछ न्यू पार्टनर के हिसाब से हो, आपको थोड़ा मिनिमम थोड़ा कंफ्यूज रहना, ऐसे कुछ मिनिमम कंडीशन हो सकती है। मैंने जो कुछ भी मतलब बोलते हैं ना कि मैंने जो कुछ भी डिसीजन लिया, आपने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं, आप में इसके लिए भरोसा नहीं होना, या फिर आप जो कुछ भी काम करते हैं वो ठीक है कि नहीं, मतलब आपको किसी भी चीज पे डाउट होना, मतलब भरोसा ही नहीं होना, ये वाली कंडीशन मुझे दिस वीक आपकी दिखाई दे रही है। तो मिनिमम आप ऐसे कि जैसे कि प्रेयर करते हो कि मैं जो कुछ भी काम करूँ या फिर जो कुछ भी आपकी जो एनर्जी जो है, तो मुझे शायद मैं जो कुछ भी काम करूँ तो गलत ना करूँ या फिर गलत ना हो, या फिर मैं जहां जाऊँ तो वहां पे गलत ना हो, या फिर मैं मेरा सही रहेगा कि नहीं रहेगा डिसीजन लेना, न्यू जॉब करूँ या नहीं करूँ, या फिर शॉप लेना है तो करूँ या नहीं करूँ, ये वाली कंडीशन मुझे मीन राशि वालों के लिए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे सिचुएशन में आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने जो कुछ भी डिसीजन लिया, शायद आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया हो या फिर न्यू जॉब करने का डिसीजन लिया हो या फिर आपने मैरिज करने का डिसीजन लिया हो, तो आपको लगता है कि शायद ठीक किया है कि नहीं किया है, शायद न्यू पार्टनर आने की कंडीशन जितने भी हो, तो जो कुछ भी पैसे के हिसाब से कोई भी एनर्जी जो है आप उस हिसाब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज, भरोसा नहीं करना, डाउट करना, अगर आपको साथ सडनली कुछ चीज ऐसी हो जाती है, सडनली पॉजिटिव भी चीज हो जाती है, तो उसके लिए नेगेटिव थॉट्स थोड़े से सोचना, तो ये वाली कंडीशन मुझे दिस वीक आपकी नजर आते हुए दिखाई दे रही है मीन राशि वालों के लिए। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए दिस वीक आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरे दिस वीक की रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। मैं ऐसे ही न्यू न्यू टॉपिक्स और न्यू न्यू जानकारी आपके लिए लिख के आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।